मुझे मरहूम लिखूं बिखूं क्या असर होता है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाबू को प्लीज छोड़ दे, वो बेगुनाह है। और मेरी मम्मा सारे, मेरे छोटे भाई बीमार हो गए, मेरा एक भाई फोत हो गया, खुदा के लिए मेरे पापा को छोड़ दे, जब हम सारे फोत हो जाएंगे तब बात निकलेंगे हमारे। मैं आर्मी चीफ अंकल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बाबा को प्लीज छोड़ दें, उनको प्लीज छोड़ दें, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गया, प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये वीडियो बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो है। इबाद फारूक का ये एक और छोटा बेटा है जो कि अपने भाई के मौत के बाद कल से इस कब्र के ऊपर लेटा हुआ है और अपने भाई की याद में इसको किसी भी चीज़ की खबर नहीं है। और ये दोनों भाई अपने इस छोटे भाई को अपने बाप की गिरफ्तारी के बाद दिलासा देते रहे कि आप खफा मत हो, हमारा बाप रिहा हो जाएगा, हमारे अब्बू घर आ जाएंगे। मगर एमआर फारूक को जो सदमा हुआ उसके बाद वो रिकवर न कर सका। मगर अब इनको कौन दलासा देगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी वालदा का भी वही हाल है जो एमआर फारूक का था। और उसका जो बड़ा भाई है वो बेचारा कभी आर्मी चीफ से इल्तिजा करता है तो कभी चीफ जस्टिस से इल्तिजा करता है, मगर न जाने इनको मालूम नहीं है कि हम ऐसे बेहस मुल्क में रहते हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे वाकयात पड़े हैं कि लोग सिर्फ इल्तिजा करते करते इस दुनिया से चले गए मगर उनको इंसाफ नहीं मिला। और अब इबाद फारूक का ये बड़ा बेटा चीफ जस्टिस से ये इल्तिजा कर रहा है, उससे रहम की अपील कर रहा है कि हमारे वालिद साहब को रिहा कर दिया जाए, हमें इंसाफ दीजिए, ऐसा ना हो कि हम सब एक एक करके मर जाए और हमें इंसाफ नहीं मिले। तो हमारे भी चीफ जस्टिस से इल्तिजा है कि इन मासूम बच्चों को इंसाफ दिया जाए और इनके वालिद को रिहा कर दिया जाए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।